वाहे गुरु 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 वा
फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की परम पवित्र गोद विच बैठ के मालक जी दे बख्शे हुए समय ते सवासां दा लाहा ले रहे हो। वट भाग्य हाँ गुरु चरणा विच बैठन दा सुभाग प्राप्त होया है आप जी गुरमुखा प्यारियां तो सिंह साहब जी तो गुरमत विचारों सरवण कर रहे सी। वो पल वड पागे ने जद सिख गुरु शरण विच बैठ के गुरु चरणों विच बैठ के अपने मालक नूं ध्यांदा है गुरमुख सफल जन्म सतगुर पाया। सफलता कदे कदे धन प्राप्ति विच भी मिल जाती है कदे कदे सफलता थोड़े समय लिए कुर्सी च भी मिल जाती कुर्सी भी प्राप्त कर लेंदा बंदा वड्याई भी मिल जाती है पर सतगुर दा हो जाना ये सब तो वड्डी सफलता है गुरसिख की। गुरसिखां शाबाश जन्म सवारिया भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने शाबाश है गुरसिखां दे जिन्हां ने अपना जीवन सवार लिया। मनुख दा सुभा है घर सवार के रखता कार सवार के रखता पर जिस दिन इसने अपना आप सवार लिया उस दिन कार्य सफल हो जाएंगे। पर पातशाह इसमें बार बार धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं गुण गोबिंद गायो नहीं। मैं बेनती करा जितने दिन आप जी के दर्शन करने ने सिर्फ दो पंक्तियां ते थोड़ा ध्यान देना गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन। फिर बेनती सुननी पातशाह पुछते ने गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन को नानक हर भज मनो जह विद मीन मच्छी कहते हैं। 42 लख जून पानी विच है तो 42 लख ही खुशकी दे विच है धरती दे उपर पर पातशाह जी ने इस 42 लख जून चो सिर्फ मच्छी का ही नाम लिया। कृपा करो जितनी मत बुद्ध है पातशाह ने बख्शी उन्नी का आप दे सामने विचार रख लेना। दूसरा पातशाह कहते ने कौ नानक सुन रे मना हर भावै सो होए। दो विचार आप जी चार दिन पहले साझिया कर फिर 10 तो बाद में फिर गुरमुखा ने 18 तक फिर समागम रखे ने कुछ दिन भी जाना पैना सानू। मैं बेनती कर रहा सी
पातशाह जी पुछदे ने गुण गोविंद गायो नहीं, इस मन नूं पुछना वी तूं गुण क्यों नहीं गाउंदा, ते गाउणा कितने सी, गुण गावां दिन रात नानक चाहो एहो। इन्हें पुछी जाना, मन नूं हाजिर करना, क्योंकि सौदा सारा मन दे नाल है, सौदा तन दे नाल कोई नहीं। गुरु नानक दे घर विच सौदा मन वेचण ते खड़ा, मन विच सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। कारज ते धंधे विच बड़ा फर्क है गुरु को। नाम सिमर यह तेरा काज है ध्यान देना। फिर पातशाह दूसरे पास कहते हैं धंधा कर दें, धंधा उसनों कहते हैं जिथों धन निकले। आसी सानू इत कीर्तन ले बिठाया, इतने भी धन आता, यह भी धंधा हो सकता, एक वड्डी गल कि ढंग तरीका जिस तो धन मिले धन प्राप्ति हो। तो मालिक कहते हैं धंधा करद जन्म गवाया, माल धन जोड़िया भया पराया। फिर ध्यान देना, मैं मन नाल ही आप जी सांझ पाउणी सारे दिन। पातशाह कहते गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकार की गल है, जन्म व्यर्थ को दिता कारण की है, किथे खो गए। कहो नानक हर भजवना जिहवे जल को मीन, जिवें पानी नूं मच्छी त्यौंदी है तू भी इस तरह भजन कर। बणतर ऐसी बनाई है परमेश्वर ने इस मच्छी की, जदों इस सिद्धी चलती है पानी मूँह विच ते जांदा, एथे दो शेक ने, एथे कदे देख लेना ध्यान दा, पानी इत्थों ही निकल जांदा सारा। ज्यों ही उल्टी हुंदी है पानी अंदर चला जांदा। पातशाह सिर्फ इन्ना ही सानू पुछना चाहुंदे ने, जिस दिन तो तू आया सिद्धा तेरी सुरत संसार विच ही क्यों चल गई, की कारण है, तेरी सुरत संसार तो मुड़ती क्यों नहीं। आ देख मच्छी ज्यों ही मुड़ी है उल्टी होके त्यों ही तृप्त हो गई, तू मुड़िया जिथों आया ना, जिन्हें तेनू भेजिया तू उधर नू आ गया। एक बार कह दियो सतनाम वाहिगुरु। फिर मैं बेनती करा, आ देख तेरी सुरत निकलती नहीं, तेरी सुरत संसारी है, संसार साजते साजते जीवन बीत चला इसका। ऐसी गल नहीं कि संसार साजना नहीं, संसार भी उसका रूप है, पर सवाल इस गल का भी सुरत कदे तो शब्द के नाल जुड़े, कदे तो परमेश्वर की याद अंदर बनी रहे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने गुरमुखां का जन्म सफल हो गया। गुरमुख जन्म सफल जन्म सतगुर पाया, गुरमुख सफल
जन्म सवारिया। भाई साहब कहते हैं शाबाश है गुरमुखां दे गुरसिखां दे जिन्होंने जीवन सवार लिया। गुरसिखां रे रास गुरु प्यारे एक ते वो रास है जेड़ी इसने इकट्ठी कीती है और रहनी नहीं। जेड़ा इसने इकट्ठा कीता ना रहना नहीं, तने इकट्ठा कीता रहना नहीं। जमीन जायदाद इकट्ठी कीती है रहनी नहीं। इज्जत माण जेड़ा कहिंदा है रहना नहीं, ये सदा रहन वाले नहीं। फिर रहन वाला की है सच्ची? तेरी प्रीत गुरु नाल सदा ले रहनी है। जे तू पा सकदा ते तू कर ला। ये वो रास है जेड़ी सदा रहन वाली है। मन नूं पुछना पएगा पातशाह कहिंदे मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण का विचार जिह सिमरत गनका सी उतरी नित नित रख उतारो। देख गए गुजरे उधर गए तेरा भी उधार हो सकता तेरी सुरत भी कितने उदे चरण चली जाए कि गुरमुख दास संदास सेव सुचारिया। भाई साहब कहते गुरमुख का मतलब भी है कि कितने मुख गुरु वल हो जाए। जब मुख गुरु वल हो जाता फिर अखां भी गुरु वल ही हो जांदियां। फिर कन्न भी गुरु नूं ही सुनना चाहते ने। इस नूं पुछिया करिए मना तू किन्ना क दौड़ना चाहता। किसी की शरण च रहा कदे काम की शरण विच हुंदा कदे क्रोध की शरण विच हुंदा कदे लोभ की शरण विच हुंदा कदे हंकार की शरण विच हुंदा कदे आशा चेता तृष्णा की शरण विच हुंदा कदे ईरखा की शरण विच हुंदा। ਇਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ
संसार कहिंदा ध्यान किथे लाइए किथे ध्यान जोड़िए इस मन ते अख रखे जांदा किथे ना ते किसनू लोचदा किसनू की इहदी इच्छा की है इसकी इच्छा कदे होई नहीं मैं तो अपने मन की गल करदा अपनी नाल इसकी कदे पूर्ण इच्छा नहीं होई पी सतगुर दा हो जाए सवेर तो लैके रात भी ये तो सौंदा ही नहीं कदे ना ये बुढ़ा ना ये बाला शरीर बुढ़े हो जाते ने पर मन की चंचलता वधदी जांदी भावें बंदा 100 साल का क्यों ना हो जाए बेनती कर रहे हैं गुरमुख पूर करम शरणी आया बहनदा नहीं शरण असल च मन लज्जत का प्रेमी है गुरमुख जिथों इस रस मिलता ये उथे जाता ये उथे रहा क्योंकि रसी आया पातशाह कहते ने तू नाम रस नख्या कर जिन्हें चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए बेनती करा जो ये तृप्त हो गया फिर मंग खाली रह गई कृपा करो जरा जो तृप्ति हो गया फिर मंग ते कोई ना रही ते फिर अरदास भी खाली रह गई केदे कोल करनी अरदास इसकी मंग इस करके है क्योंकि भुख आया पातशाह कहते जे इस सवाल ही तू पूरा करना तो एक काम करया कर नाले तेरा भिखारी पुणा पूरा हो जाओ नाले तू मंग लेंगा की मंगना मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना मंग ले पर मंग ते सही उस समय ही मंग ला कुछ मंगण की लोड़ ही ना रवे जे उस समय ही मंग ले तो दाता ते मंगदा पर दाते नहीं मंग ला दाता मुक जांदियां ने देन वाला सदा रहिंदा गुरमुख कदे कदे पातशाह झिड़कते ने जे गुर झिड़के तो मीठा लग गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान कद कदे ना ध्यान आता भी दाता कि माया मंगनी नहीं चाहिए क्योंकि माया तो बगैर संसार चलना नहीं तुसी घर ही बनाना होवे पैसे मुक जाण 10 साल दरवाजे नहीं लगते चाहिए है माया पर इन्ना तो फैसला कर ला चाहिए कि नहीं कर मन इको गल कही जाता भी इन्नी कि तो हो गई थोड़ी जी होर हो जाए इसकी बीमारी इको ही आ कि जिनी क हो गई कहिंदा थोड़ी जी कित होर हो जाए बस वो थोड़ा जा होर नहीं इन टंगिया पिया सतगुरु पैरी
भाई साहब कहते गुरमुख सास ग्रास नौ चितारिया जिस नाल गहरी प्रीत हो गए वो याद आता रहता जिस नाल प्रेम हो गए उसको याद करने की लोड़ नहीं पैदी गुरु को जिस नाल गहरी प्रीत हो गए उसको याद करने की लोड़ नहीं पैदी उसकी याद आती रहती है। तुसी कदे अपने बच्चियां नूं गुटका खोल के याद किया अपने परिवार को कदे कुछ गुटका खोल के याद किया सवेरे शाम किहो जिही प्रीत है गुटका खोल के गुरु नूं याद करदा हैरानी की गल हजारां किलोमीटर बंदा दूर हुंदा बगैर याद करन तो संसार याद आता बै बगैर याद करन तो परिवार याद आता बगैर याद करन तो वैरी याद आते रहे बदकिस्मती इस मनुख की हाथ में गुटका सब फड़े हुए है गुरु अजे भी याद नहीं आता आखो सतनाम अजे भी याद नहीं आता भाई साहब कहते गुरमुख सास ग्रास नौ चितारिया पातशाह कहते किन्ना गहरा जाना चाहिए एक शब्द मेरे प्राण वस्त है अमलियां दे हड्डां दे विच जब नशा फस जाता ना फिर घर भी बेच देंदे ने तुहाडे सामने तुसीं देखदे हो अमली अमल ना अपड़े कुट भी खांदा करदे तो जमीन बेच दिंदा जायदाद बेच दिंदा पर अमल नहीं छड़दा क्योंकि उहदे हड्डां च रच गया। इस तरह जिहड़े गुरु प्यारिआं ने जीवन विच अपने सतगुर नूं प्रीत कीती उह बंद बंद ते कटे गए उन्होंने देगां विच उबाले भी खा लए पर इको गल कही कि तुसी मैनूं पुछदे हो आखरी इच्छा की है मेरा मुख मेरे सतगुर वल कर दिओ जे आरा चलाउणा ही आ ते मैं उस प्रेम की गल करदा आप जी दे नाल चाहत ये नहीं हैरानी नहीं असि इतने गुरु दरबार च बैठे होइए तो सतगुर कहन तू तो मैनू नहीं मिल लाया मैं सिर्फ आप जी के सामने गुरबाणी का शीशा ही रखना अपने सामने भी आप जी के सामने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने नर चाहत कछ आर आया तो है सतगुर दे कोल पर इहदी चाहत सतगुर नहीं इहदी चाहत कोई संसारी लगती है कदे कदे तां भी आईदा जदों दुख ना टुटे तां भी आ जाईदा
ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਪਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਔਰ, ਇਹ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਖੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸਾਡੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਔਰ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਠਕੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪੜੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਠਾਗਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਠਕੌਰ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਧੇ ਕਚਿਆ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਨੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਿ ਵੀਹਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੂ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਰਜੀ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾ
टेकिया सारी उम्र, पर मन ने मत्था नहीं टेकिया। फिर बेनती सुननी का, शरीर तो सारी उम्र मत्था टेकता रहा, जिस दिन मन मत्था टेक जाता फिर बहुते मत्थे टेकन की लोड़ नहीं पैंदी गुरु को। मन टहता नहीं, मन हंकारी है। सूक्ष्म हंकार भी जेड़ा कई बार कह देगा भी दुनिया ते माण कर दी, असी ते माण भी नहीं कर रहे। इनू इस गल का भी माण है भी मैं ते माण ही नहीं करता। आखो सदन वाहिगुरु, एडा खतरनाक आ। भाई साहब ने तो गुरमुख दासन दास सेव च सचा रहा, दासां दा भी दास है गुरमुख। जाग दे सेवा करता कितने ऐसा ना हो, पता की करता। इसनू पता है जिथे माण मिलता है उत्थे खड़ा। आओ जरा देखिए की करता है। कदे कदे जोड़िया में जिथे जोड़ा करके लिए उत्थे खड़ा हो जाता दस भी मिनट। लोग कहेंगे एडा वड्डा बंदा देखो जी जोड़िया च बह के सेवा करना, इन्हू पता उत्थे माण मिलता, इसकी खुराक मिलती उत्थे। ये उत्थे दस भी मिनट जरूर खड़ा होंदा भी लोग देख लैन भी देखो जी बड़े निम्रता वाले सेवादार। कदे कदे जिथे बर्तन साफ करते ने उत्थे भी ये खड़ा होंदा कदे कदे। फिर लोग कहन भी एडी निम्रता, देखो जी सात समय के जूठे बर्तन साफ करते। बस इस तो खबरदार रहना, ये जिथों ये गंदगी खांदा इनू कह दे सौदा मिलना नहीं। दुनिया तो बल्ले बल्ले हो सकती है, पर ओदे दरबार विच अंतर जामनी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। दृढ़ करता सिमरन दृढ़ करता, नाम पाउण दी इच्छा इहदी जदों तो पैदा होया उदों तो ही है गुरमुख। जिस वेले बच्चा पैदा हुंदा सब तो पहले ये पुछदे ने इसका नाम की रखिया। जिस चीज का नाम नहीं इसनू पता उसके गुण भी नहीं पता होना। कृपा करना जरा, जिस चीज का ना ना पता हो पता नहीं सुट दिता बंदा भी जहर ही है पता नहीं, क्योंकि उसका ना ही नहीं पता हो तो गुण किवें पता हो सकता। शुरू तो ही जिस दिन तो पैदा होया इसकी इच्छा रही मेरा ना वड्डा हो, मेरा ना दुनिया च हो, मेरा ना समाज विच हो। नाम पाउण की इच्छा इहदे अंदर दबी दबी सदा ही रहिंदी आ। जे मेरे तो नहीं मेरा नाम उच्चा होया तो मेरे बच्चे ही इहो जिहे होण, कम करन
मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, सारिया की बल्ले बल्ले हो जाए घर। तो सतगुर इन्ना ही कहें आ जरा तेरे नाम पाउण की इच्छा है ना, नाम पाउण की इच्छा तो तेरे अंदर है ही, पर तू सतनाम पा लै। आखो सतनाम वाहिगुरु, तेरे नाम जींदे मिटा देंदे ने, कह देंदे ने साढ़े तो ने कचहरियां देख होनियां जींदे जी लिखी जा, जिहड़ा है चार सियार चार पैसे आ, तेरा नाम तो मिटा देंगे, क्योंकि कहे कबीर सुनो मन मेरे इहो हवाल होणगे तेरे, क्योंकि तू एक तो पहलिया तो लिखा लिया, तेरे तो इन्होंने लिखा लेना, ये तो इदा ही चलता। आखो सतनाम वाहिगुरु, ये तो इस तरह ही मिटाउंदा नहीं। पातशाह कहते नाम पाउण की इच्छा तो तेरे अंदर है, पर तू सतनाम नू पा लै। जप मन सतनाम सदा सतनाम, नित त्याई है हर पुरख निरंजन। जपो ता एको नामा अवर निराशल कामा। क्यों जी की कह रही बाणी, अवर निराशल कामा। कोई बहुता फल नहीं देना जो बाकी करना, पर मन जपन नहीं देता सदे। पातशाह कोई ढेंदी कला के बचन नहीं करते, मेरे मालिक सुचेत करते ने जाग। उदास का मतलब है सारे तो आस छड़दे, उदास छड़दे आस माता तो पिता तो भरा तो पत्नी तो पति तो छड़दे आस, निराश हो जा निरास। आस छड़ते जे आस रखनी है तो मालिक कहते आस प्यासी दिन सरात चित वहो आन दिन नीत, उस ते आस रख। इसमें बड़िया आसा ने सच जिन्होंने अपने समझदा। जे किते इत्थे अवस्था आ जाए सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई।
ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਸ ਦੇਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਆਸ ਮਨ ਹੱਠ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭੁਲਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਆ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਿਸਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਗਿਣਨੇ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਾਇਆ ਚ ਫਸ ਗਏ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦੇਖ ਜੁੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਢਿੱਡੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਦਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਓ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤਾ ਲੈ ਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਤੀ ਲੈ ਆ ਪਸ਼ੂ ਮੰਗ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਜੁੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰ ਕਹਿਣੀ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੱਢ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਮਨ ਚੋਰ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਬੀਰ
ਇਹ ਮਨ ਚੋਰ ਹੈ ਭਲੀ ਵਸਤ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਖੋ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਅਮਰ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਦੋ ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਗ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੀਸਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਫਲ ਕਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚੌਥਾ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਸਭਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਫ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਦੱਸ ਸੁੱਤਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਸਵਾਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪਹੁ ਮੁਰਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏ ਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ go
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਮ ਤੇਰੀ ਨਾ।
पूछ के आना मना देख सतगुर कहंदे ने तू मना सुन तू भी सुनया कर होइया पुल्लां दी खेवां फतेह सांझी करां जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।